that Hazrat Hamid Musa Salam received the revelation that he received from Allah the Almighty after these 40 days of Chilla. And I would request Khalid Hashmi Sahib to read that in original language, that is in Urdu. You probably, most of us, may not know Khalid Hashmi Sahib. He is a recent immigrant from Afghanistan. Khalid Hashmi Sahib. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ilham Hazrat Masih Maud alayhi salatu wa salam. Pishgui Masih Maud. मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसी के मुआफ़िक जो तूने मुझसे मांगा। सो मैंने तेरी तजर्रुआत को सुना और तेरी दुआओं को अपनी रहमत से बपाए कबूलियत जगह दी, और तेरे सफ़र को, जो होशियारपुर और लुधियाना का सफ़र है, तेरे लिए मुबारक कर दिया। सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है, फजल और एहसान का निशान तुझे अता होता है, और फतहा और जफर की कलीद तुझे मिलती है। ऐ मुजफ्फर, तुझ पर सलाम। खुदा ने ये कहा था वो जो जिंदगी के ख्वाहां है मौत के पंजे से निजात पावे, और वो जो कब्रों में दबे पड़े हैं बाहर आवे, और तो दीन इस्लाम का शरफ और कलामुल्लाह का मर्तबा लोगों पर जाहिर हो, और ताहा अपनी तमाम बरकतों के साथ आ जाए, और बातिल अपनी तमाम नहूसतों के साथ भाग जाए, और ता लोग समझे कि मैं कादिर हूँ, जो चाहता हूँ करता हूँ, और ता वो यकीन दिलाए कि मैं तेरे साथ हूँ, और ता उन्हें जो खुदा के वजूद पर ईमान नहीं लाते और खुदा के दीन और उसकी किताब और उसके पाक रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार और तकजीब की निगाह से देखते हैं, एक कुली निशानी मिले और मुजरिमों की राह जाहिर हो जाए। सो बशारत हो कि एक वजीह और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक जकी गुलाम तुझे मिलेगा। वो लड़का तेरी ही तुखम से तेरी ही जुरियत और नस्ल होगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है, उसका नाम अमानुवेल और बशीर भी है। उसको मुकद्दस रूह दी गई है और वो रिज से पाक है, वो नूरुल्लाह है। मुबारक वो जो आसमान से आता है, उसके साथ फजल है जो उसके आने के साथ आएगा। वो साहिब शुकूह और अजमत और दौलत होगा। वो दुनिया में आएगा और अपने मसीही नफ्स और रूहुल हक की बरकत से बहुतों को बीमारियों से साफ करेगा। वो कलिमतुल्लाह है, क्योंकि खुदा की रहमत व वयूरी ने उसे कलिमे तमजीद से भेजा है। वो सख्त जहीन व फहीम होगा और दिल का हलीम होगा, और उलूम जाहिरी व बातिनी से पुर किया जाएगा, और वो दीन को चार करने वाला होगा। दुशंबा है, मुबारक दुशंबा, फर्जंद दिलबंद, गिरामी अर्जमन, मजहरुल अव्वल वल आखिरे, मजहरुल हक वल आलाए, कअन्नल्लाह नज़ल मिन अस्समा, जिसका नजूल बहुत मुबारक और जलाल इलाही के जहूर का मौजिब होगा। नूर आता है नूर, जिसको खुदा ने अपनी रजामंदी के इत्र से मंसूब किया। हम उसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया उसके सर पर होगा। वो जल जल बढ़ेगा और असीरों की रुस्तगारी का मौजिब होगा, और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा, और कौमें उससे बरकत पाएंगी। तब अपने नफसी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकाना अमरम महदिया। Thank you.